नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं पांडे जी व्लॉग्स। और अभी मैं एक ऐसे शहर में हूँ जहाँ पर पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, और ख़ास बात यह है कि वो यहाँ आते हैं घूमने लेकिन वो यहीं के होके रह जाते हैं। और मैं हूँ भारत के एक ऐसे शहर में जहाँ पर जो होली सेलिब्रेट होती है वो पूरे विश्व भर की सबसे अच्छी होली होती है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपने तुरंत पहचान लिया होगा, मैं हूँ अभी वृंदावन में, और अभी मैं ट्रेन से आया हूँ तुरंत ही। और उसके बाद अगर आपको आना है तो आपको मथुरा आना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं जो कि आपको 30 रुपये में वृंदावन पहुँचा देगा। तो यार मैं अभी नहा के रेडी हो गया हूँ, और चलिए अब आपको लेके चलता हूँ खूबसूरत वृंदावन। अब भैया श्री राधे राम जी का चंदन लगा के मैं चल दिया वृंदावन की गलियों में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने। थोड़ी दूर जाते ही गली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें रोक दिया गया। भैया इतनी भीड़ देख के मैं तो, लेकिन जैसे ही बांके बिहारी जी की एक झलक देखी मेरी सारी थकान खुद ब खुद उतर गई। श्री बांके बिहारी मंदिर जी के कैंपस में ही पड़ता है श्री स्नेह बिहारी मंदिर। अगर आप राधा नाम का कीर्तन करना चाहते हैं तो ये मंदिर आपके लिए है। आइए इसकी एक झलक दिखाता हूँ आपको। तो ये था स्नेह बिहारी मंदिर, और इससे पहले जहाँ हम गए थे वो था बांके बिहारी मंदिर। और बांके बिहारी मंदिर की भीड़ तो आपने देखी ली कितनी ज़्यादा थी, और अंदर जाने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही पहुँच भी जाओगे, दर्शन भी कर लोगे और अपने आप निकल भी जाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा ठीक है, तो आइए अब साथ में दर्शन करते हैं श्री राधा रमण जी के। तो आइए अब साथ में दर्शन करते हैं उस पवित्र स्थान के जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ आज भी हर रोज रात को रासलीला करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निधिवन की। एकादशी तथा रविवार पड़ने के कारण उस दिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। थोड़ी देर चलने के बाद ही हमें रोक दिया गया और लाइन को बहुत धीमे धीमे बढ़ाया गया। अगर आप निधिवन में जा रहे हैं, ये बात पूरे वृंदावन के लिए है परंतु खास तौर से निधिवन में ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा नीचे रखिए, और फ़ोन को आगे वाले पॉकेट में रखने की आदत है तो उसे नीचे रखिए, क्योंकि कोई भी बंदर आसानी से आपका फ़ोन या चश्मा या आपका कोई और खाने की चीज़ आपसे छीन सकते हैं, उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, और क्योंकि वो बदले में फ्रूटी की डिमांड करते हैं, तो बच के रहिए। तो निधिवन के दर्शन करने के बाद मैं घूम रहा था वृंदावन की गलियों में, क्योंकि मुझे अपनी अगली लोकेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं सीधे भटकते भटकते पहुंच गया यमुना घाट। यमुना घाट में आप बोटिंग कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, आप कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, उसके अलावा आपको काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो फटाफट मैंने 100 रुपये दिए और 20 रुपये के चने खरीदे, और खाते खाते पहुँच गया मैं बोटिंग करने। तो कुछ अनजान भाइयों के साथ राधा नाम का कीर्तन करने के बाद मैं सोच रहा था अपनी अगली लोकेशन के बारे में, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा इस्कॉन टेंपल। तो आइए अब मैं इस्कॉन टेंपल के आपको दर्शन कराता हूं।
तो हरिनाम का कीर्तन करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए। तो ये है वो लाइन जो गेट नंबर एक पे लगती है। तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, आपको एंट्री 2 नंबर गेट से करना है, ना कि 1 नंबर से, क्योंकि 2 नंबर पे एंट्री पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती है और 1 नंबर पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है।